और दोनों ही पहुंच गए। अब दोनों तो समझ तो भाई एक ही वन तो पहले पहुंच गए पास वाली सिस्टम के लिए। अब ए वन कैश कराया लगे जिसे लगे इसके बगैर पोजीशन कौन सी है? आओ सिस्टम रुसाल के ये मकार आते हैं। अब कलर दूसरा के कलर बिल्कुल एक एक जर्सी अलग अलग है। अब ये मैच के लिए नायक रही पांडे सर और काम सर जी साधारण मंत्री था पांडे सर गोल सेना वाले उन्हें काम सर जी सर इस मैच में ना टॉस कराना पड़ेगा दोनों टीम एक साथ आएगी रखें क्या पांडे सर आप ही सर और ये कह रहे कौन है ना कौशल लाइन में 1001 रुपए भी देख लो भाई मतलब खाता खुलवा खाता वही खुलवाए तभी 1001 रुपए यूको बैंक में हम लोग खुलवा दे सब वही पाएंगे अपार नेताम सर जी नेताम सर जी नेताम सर नेताम सर रेडी प्ले तो बहुत ही तगड़ा मैच और पहला ही एक पर दीपक बंजारे ने एक पॉइंट का दावा किया है और दावा बिल्कुल मान्य होते हुए और मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा मेरे साथी का मैच का जयंत यदु के साथ और 8 नंबर की जर्सी पहने हुए हेमंत साहू स्टार रेडर मोहन भाटक की टीम की तरफ से और दोनों ही टीमें मिली जुली की है और दोनों की आन बान और शान की लड़ाई है और एक दूसरे से काफी भिड़ते रहते हैं दोनों टीमें। नहीं सकते आपको ज्यादा पता होगा भालूडिया दोनों टीमों के बारे में निश्चित रूप से दोनों टीमें मुंगेली जिले के टॉप टीमों में से एक है और वैभव नेताम नेशनल प्लेयर 15 नंबर की जर्सी पहने हुए बोनस पर 100 रुपया अगर बोनस लेते हैं तो हमारे पूछ पराग साहू जी के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार क्या देखना दिलचस्पों का बोनस का एक अटेम और मान्य होते हुए पहली बार 15 नंबर जर्सी के प्लेयर 100 रुपए का पुरस्कार जीतने वाले हैं और इस प्रकार जो है गोइंद्री की टीम खाता खोल चुकी है उगता सूरज गोइंद्री तो काफी उभर रही है गोइंद्री की टीम वैभव निशान सीजी के पीएल का स्टार प्लेयर बजरंगी फाइटर बिलासपुर की टीम की तरफ से दुर्गेश नेताम के साथ रेडिंग का जिम्मा संभालते थे और अपनी टीम को फाइनल तक का सफर तय करवाया था और अगर सीजी के पीएल की बात किया जाए तो लेफ्ट रेड रूम में सबसे बेहतरीन रेडर इन्हीं का रेड रहा और देखिए रेडिंग स्किल उनका ऐसे इजी बोनस ले रहे हैं जाना मानो प्रदीप नरवाल जो है दौड़ते दौड़ते जाकर पॉइंट अर्जित करते हैं इसी प्रकार से। निसंदेह मालूम भैया मैं इनका मैच देखा हुआ हूँ काफी एक डमी और एक कॉर्नर दोनों प्लेयर अपने टीम के मुख्य भूमिका में रहते हैं 15 नंबर जर्सी में और 3 नंबर जर्सी में जो प्लेयर है नाम तो नहीं जानता लेकिन इनके खेल के प्रदर्शन को देख के पता चल जाता है काफी तरीके से खेलने वाले प्लेयर है। तो नाम तो मैं बता दिया हूँ वैभव नेताम 15 नंबर की जर्सी पहने हुए नेशनल तेलंगाना में जो सब जूनियर हुआ था उन तेलंगाना में जो हुआ था उनमें गए थे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे इधर बलौदाबाजार जिले से टीकू ध्रुव जो खेलते हैं वो गए थे और बहुत सारे खिलाड़ी गए थे और जो 3 नंबर की जर्सी पहने हुए दीपक बंजारे हैं दोनों टीम के महत्वपूर्ण रेडर है और वहीं 8 नंबर की जर्सी इधर जो पहने हुए हेमंत साहू 10 नंबर की जर्सी पहने हुए सुरेश पटेल और कामिल तजिमर जो संभाले हुए 22 नंबर की जर्सी पहने हुए काफी खतरनाक खिलाड़ी मोहन भाटक की थी मतलब दोनों ही टीमें अपने अपने जगह में काफी तगड़े टीम है और ये मुकाबला जो रहेगा वो काटे का रहेगा। निसंदेह अभी मोहन भाटक की टीम भले पिछड़ रही है लेकिन हेमंत साहू जरूर कोशिश करेंगे कि जल्दी अपने टीम के लिए पॉइंट अर्जित करें और उसके लिए निश्चित रूप से हेमंत साहू ही रेड करने के लिए गए हैं 8 नंबर की जर्सी पहने हुए लेफ्ट रेडर और उभरते हुए खिलाड़ियों में से एक हेमंत साहू
और तीन खिलाड़ी को अगर लाते हैं तो 100 रुपए का पुरस्कार जो है आदरणीय पुष्पराज सावंत के द्वारा दिया जाएगा। अगर वो 3 पॉइंट लाते हैं और यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा, दबोच लिए गए, गोइंद्री को पॉइंट मिला, उगता सूरज गोइंद्री, वैभव नेता निशे आपका बोलना सही रहा। अभी तक काफी अच्छे तरीके से 15 नंबर जर्सी पर आए रेडर, आपके बोलने के अनुरूप ही उनका अभी तक का रेड रहा है, प्रदर्शन रहा है मानो भैया, काफी अच्छे तरीके से फंसाते हुए अकेले, ऐसा लगता है कि पूरे प्लेयरों को एक साथ लेके चले जाए। निसंदेह काफी बेहतरीन खिलाड़ी है और अब रेडिंग के लिए निश्चित रूप से जाएंगे 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, ऐसा लगता है मुझे। इसके 10-50 जो मैच होना है कुकुरनी वर्सेस केरा के बीच में, तो दोनों टीमों को दर्शाने के लिए चाहूंगा अपनी टीम को सुसज्जित कर मैदान के आसपास रहे। निश्चित रूप से इसके पश्चात जो मैच होगा वो भी काफी तगड़ा मैच होगा, जिसमें संजू भाई, सुमन ध्रुव जैसे स्टार खिलाड़ी और केरा की टीम में नेशनल खिलाड़ी मनहरन सिंह है, मैं बता देना चाहता हूँ। निश्चय आपको प्लेयरों का पूरा बायोडाटा आपके पास है मालूम भैया, क्योंकि आप जहां कभी टूर्नामेंट हो, कबड्डी का मैच हो, आपकी उपस्थिति दर्ज रहती है, सराहनीय रहती है। 3 नंबर जर्सी पर गए हैं मोहा भाटा के लिए आकर्षक पुरस्कार है, अगर 3 पॉइंट लाते हैं तो आदरणीय पुष्पराज साहू जी के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार अभी भी उनके लिए खुला हुआ है। दीपक बंजारे 3 नंबर की जर्सी पहने हुए काफी अच्छे प्लेयर ये भी माने जाते हैं। काफी अच्छे तरीके से मैच हो रहे हैं भानु भैया, लेकिन मोहा भाटा की टीम अभी जो है खाता खोली है कि नहीं खोली, में 1 मिनट 45 सेकंड का शेष खेल बाकी है पहले भानु भैया। निश्चित रूप से मोहा भाटा की टीम खाता खोलना चाहेगी, लेकिन कितना शानदार डिफेंस खेल रही है गोइंद्री की टीम। एक जमाने में जब कबड्डी खेलना शुरू किए थे आज से 3-4 साल पहले, तो घनश्याम साहू जी इनके कोच, वो अकेले बच्चों को लेकर जाते थे, दूसरे गांव खेलने के लिए जाते थे। ये जो प्रयास रहता है कोच का दिखते नहीं है, सामने आते नहीं है, लेकिन उनका ही प्रयास रहता है टीम को आगे बढ़ाने का और टीम को सजीव करने का। वो दूसरे गांव में पढ़ते थे, वहीं से खेलते थे, उसके पश्चात जब अपने गांव में आए तब उन्होंने कबड्डी गेम को जो है गोइंद्री के लिए जो है आगे बढ़ाया, और अभी बहुत कम नजर आते हैं उनको, मैं बहुत कम देखता हूँ। आदरणीय घनश्याम साहू नाम है, अपने टीम के लिए। और जहां तक भानु भैया बता रहे हैं पॉइंट देंगे नहीं गोइंद्री की टीम, क्योंकि वो मेहनत करके आए हैं यहाँ तक और काफी सुसज्जित टीम लग रही है, प्रबल दावेदार टीम लग रही है इस टूर्नामेंट में निश्चित रूप से। लेकिन मोहा भाटा की टीम भी उस गुरु के शिष्य है जो कबड्डी के खेल में काफी जाना पहचाना नाम, कोमल मरावी का नाम आपने सुना होगा, अजीत चर्वी साहब भानु भैया खान साहब का लगभग अंतिम सर्विस के लिए, और निश्चित रूप से अंतिम सर्विस मध्यांतर के पश्चात रणनीति बनेगी। केरा वर्सेस कुकुरदी तैयार रहेंगे इसके अंदर पश्चात, केरा वर्सेस कुकुरदी ध्यान देंगे, केरा वर्सेस कुकुरदी स्कोर अभी भी खाता नहीं खुला शायद तक, मौका है भानु भैया 1001 पाने का मौका है मोहा भाटा पास। मोहा भाटा टीम के लिए आकर्षक पुरस्कार, अगर उनकी टीम खाता नहीं खोलती है तो 1000 रुपए का पुरस्कार आदरणीय पुष्पराज साहू जी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन मोहा भाटा इन 7 मिनटों में एग्रेसिव खेल का नमूना पेश करेगी मोहा भाटा की टीम। मैं जहां तक सुना हूँ वापसी करने में माहिर है मोहा भाटा की टीम, निसंदेह माहिर, वापसी करने में बिल्कुल माहिर है मोहा भाटा की टीम। एक जमाने में मोहा भाटा की टीम काफी तगड़ी हुआ करती थी, जिसमें संतोष साहू, कोमल मरावी खेल शुरू होता हुआ और रेडी का जिम्मा सुरेंद्र पटेल के कंधों पर। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए सुरेंद्र काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं,
और रेडी का जिम्मा हेमंत साहू के बाद उनका ही नंबर आता है और लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लास्टर खेल रहे हैं छोटे छोटे खिलाड़ी उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन पैकेट बहुत बड़ा धमाका करते हैं लोग। निसंदेह पिछले टूर्नामेंट में कल परसों की बात है काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, उनका प्रदर्शन कम हो जा रहा है अब भी करते हुए मानुभिया सुपर टेकल के जरिए जो है अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया जाए। मोहन माटे की टीम लेकिन वैभव नेता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे एक भी पॉइंट। करम सिंह ने उनकी टीम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्वार्टर फाइनल मैच हार गई थी रोहरा के खिलाफ, उसके पश्चात उन्होंने रणनीति बनाई कि मैच में किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं करना है। कोशिश करत गया बेचारा और इस तरह से एमपी धीरे धीरे कुछ करना पड़ेगा मोहन भाटा की टीम को। मोहन भाटा की टीम 5-0 से अभी भी खाता खुलना बाकी है मोहन भाटा की टीम का, देखते हैं क्या होता है आगे। बोनस आ रहे हैं अभी भी काफी सतर्कता होगा देखने खाता खुलता है कि नहीं। अंततः सपोर्ट आया जिसके जरिए जो है पॉइंट मिला गोदरी की टीम को। अब दो खिलाड़ी शेष रह गए हैं, क्या ये दो खिलाड़ी सुपर टेकल करेंगे या फिर वैभव नेताम दोनों खिलाड़ियों को अपने कंधे पर उठाकर आराम कर पाएंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल वैभव लेके जाएंगे नेताम जी लेके जाएंगे 15 नंबर जर्सी में 22 नंबर जर्सी में और 4 नंबर जर्सी को मेरे लगता है लेके जाएंगे। लेकिन 22 नंबर की जर्सी पहने वाले खिलाड़ी वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो लेकर जाए, वो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे वैभव नेताम को। लेकिन वैभव नेताम जानते हैं उनकी टीम रेडर की कमी नजर आ रही है मुझे मोहन भाटा की टीम में, और देखते हैं रेडी का जिम्मा क्या 4 नंबर की जर्सी पहने वाले खिलाड़ी जाते हैं। अभी भी 6-0 की स्थिति है और लगातार कोशिश कर रहे हैं काफी अंदर घुसकर पॉइंट लेना चाहते थे। अभी भी मोहन भाटा की टीम अपने प्रतिभा के रूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है जिसके लिए मोहन भाटा की टीम जानी जाती है। इसके तहत पर चार मैच होना है कुछ नहीं बढ़ते लगना के बीच कुकुर्दी वर्सेस केरा ध्यान देंगे टाइम आउट टेकअप पर मोहन भाटा ध्यान देंगे कुकुर्दी टीम के कैप्टन और केरा टीम के कैप्टन ध्यान देंगे अपनी उपस्थिति जो है एक मैच का खेल से बाकी है 3 मिनट का 3 मिनट का समय शेष है तो अंकों का फासला 6-0 अभी भी उनके लिए आपका खुला है खाता नहीं खुला है ना। अगर कोई मोहन भाटा की टीम खाता नहीं खोलती है तो 1,000 रुपये आदरणीय पुष्पराज साहू जी के द्वारा दिया जाएगा नगद। तो काफी शानदार खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। वैभव नेताम धीरे धीरे जान रहे हैं और क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं लग रहे हैं भारूडिया लग रहे हैं 1,000 आ गए मोहन भाटा की टीम लेगी या फिर मोहन भाटा की टीम अपनी आंख बांध के ले जाएगी कम से कम 1 पॉइंट तो अर्जित करे। इतनी दूर तखतपुर से आई है कि तखतपुर मुंगेर जिला से तो काफी अंदर घुसकर लेकिन जितना तारीफ किया जाए डिफेंस उतनी कम। और फिर से वैभव नेताम 15 नंबर की जर्सी पहने हुए और देखना दिलचस्प होगा वैभव नेताम किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, जानते हैं आन आउट धीरे धीरे करें जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वापसी के लिए उनकी उम्मीद बिल्कुल ना रहे तो धीरे करें ताकि उनके लिए समय ना हो। 2 मिनट 30 सेकंड का शेष थे बाकी रह गया इस मैच में पड़ेगा अपना अस्तित्व के लिए इस मैच में और उसमें सफल होते हुए
और रेडर आउट होते हुए अभी भी खाता नहीं खोला है मोमो पांडा की टीम का। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मोमो पांडा की टीम अभी तक खाता नहीं खोली है। सात जीरो की स्थिति है और नौ जीरो की स्थिति अब निर्मित हो जाएगी। सात तीन दस जीरो एक ही राय वोट मिल पाएगा, समय का अभाव है। आप बिल्कुल से 10-0 की स्थिति। हेमंत साहू फिर से रेड करने के लिए जाएंगे। आठ नंबर की जर्सी पहने हुए अभी भी उनकी टीम खाता नहीं खोली है। देखते हैं क्या होता है क्या। और इसी कोशिश रेडर आउट होगा हो गया और स्कोर जा पहुंचा जीरो की स्थिति। काफी शानदार चित्रकारी के लिए उतना ही कम संभाल नहीं पाई। कभी देखने को मिला था टूर्नामेंट में ऐसी टीम होगी मोमो पांडा अगर आने वाले इस मैच में अगर मोमो पांडा की टीम खाता नहीं खोलेगी तो इस टूर्नामेंट में ऐसी टीम होगी जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। विगत पाँच छह वर्षों से ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, छह वर्षों में ऐसा कोई टीम नहीं होगा जो खाता नहीं खोल पाएगा पहली बार। और काफी अंदर घुस गए थे और अंदर घुसकर पानी लाने की कोशिश लेकिन टेकल कर लिए गए। पुलिस नहीं दे लगते खाता अरे बेचारा भाई क्या 1000 रख लो यार मत खोलो खाता तो तीन बने इस प्रकार जो है अब मैच में केवल औपचारिक ही है लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या मोमो पांडा खाता खोल पाएगी कि नहीं। खाता नहीं खोले अभी तक। मोमो पांडा खाता खोलेगी 1000 रुपए का पुरस्कार जीतेगी। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है मोमो पांडा टीम का अभी तक। बहुत ही खतरनाक नहीं मतलब जिसे बोला भी है ना फिर मैंने शोक मर के बोला था एक प्रकार से कि खाता खुला इसी के ऐसे एक बिल्कुल मजाक उड़ा के बस और इसी के साथ जो है मैच समाप्त होता हुआ तो और रेफरी खेल नंबर 1 जबरदस्त यह पहली टीम होगी जिसका खाता नहीं खुल पाया है मोमो पांडा की टीम और मोमो पांडा की टीम पूछ रहे थे छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा बिल्कुल कोले हाई स्कूल से ध्यान देंगे मोमो पांडा की टीम की और 1000 जाएंगे बिल्कुल आ जाएंगे पूरी टीम आएंगे जनता बंधन के साथ 1000 लेके जाएंगे बिल्कुल और ध्यान दे इधर जयराम का सुपर एट जो शोर से खून करा साहू की अरे गोइंद्री की कोच तालियां से स्वागत। ये पहली टीम है अदानी पुल पर आप साहू जी से मैं निवेदन करूंगा यहाँ जो है जयभान मितान जी रेट पर 100 रुपए का पॉइंट रखे थे वो भी पुरस्कार अपने हाथों से दे देंगे किताब दिया जाएंगे एक नंबर जीत के जाओ चलती और ये है जिन्होंने सुपर रेट के जरिए पॉइंट रिसीव किया था। बधाई है और एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों से हमारे